operational motion on Thursday, our next topic after that, we make a concern, the other candidates come. After that, our next topic is torque. Torque and angular momentum we are bringing. So heading there are torque. It is called moment of force. Moment of a force. Torque is called moment of force, मतलब turning effect of a force. इसका मतलब ये है, ये force का turning effect. कि वो किसी चीज़ को rotate कर सकता है, उस effect को. Moment का मतलब होता है that force multiplied by distance. Moment क्या होता है? वो जिसकी movement है multiplied by distance. Moment का मतलब ये होता है literally. तो मैंने आपको बताया था कि torque is a force that rotates an object. ये एक्चुअली फोर्स नहीं है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, इट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स. तो वो लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था कि एक वो फोर्स है जो रोटेट कर देता है बॉडी को, बट ये फोर्स मल्टीप्लाइड का धरती को डिस्टेंस है. तो अब इसको हम डिराइव करते हैं. लेट अस टेक कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स. लेट्स OP be the position vector. OP equal to R be the position vector of any object. Let OP is equal to vector R be the position vector of any particle, any object. Now, let a force act. Let a force act at certain angle beta with the ground. Under the action of that force, the object rotates from P to Q point, suppose, and the Q position vector is R plus delta R. So, let us resolve force into two components now. If this is beta, then this is beta of the corresponding angle. ये अगर बीटा तो यही बीटा है. रिजॉल्व दिस फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स. दिस इज एफ कॉस बीटा एंड एफ वाई इज एफ साइन बीटा. रिजॉल्व किया फोर्स को हमने दो कंपोनेंट्स में, ठीक है. तो लेट अस राइट इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर आर हैविंग टू कोऑर्डिनेट्स x and y, so we can write x I cap plus y j cap. Vector r in vector form we can write, where x and y are horizontal and vertical components of OP. OP में vector r का delta r, new position vector है ना. और इतने time में एक और angle यहाँ पे subtend हो गया d theta. Small time dt में position change angle भी नहीं हो. तो x और y अगर r के दो कंपोनेंट्स थे तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म. अब डेल्टा r कैसे लिखेंगे? डेल्टा x i cap प्लस डेल्टा y j cap. हाउ वी विल राइट फोर्स इन वेक्टर फॉर्म? fx i cap प्लस fy j cap. वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख ऑल द थिंग्स. Now small amount of work done is dot product of force and displacement. You know, okay. Scalar force is a dot product of two quantities. Put the values. डॉट प्रोडक्ट निकालो, इसका क्या आएगा? एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई इंटू डेल्टा वाई. क्या हो जाएगा? एंड हाउ वी विल राइट वर्क इन रोटेशनल मोशन. हाउ वी आर गोइंग टू राइट इन रोटेशनल मोशन.
ऐसे पकड़ के पढ़ा रहे हैं तुम? तो ये मैंने लगाया हुआ था उत्तर ये। ठीक है, अब वर्क इन रोटेशनल मोशन मैंने आपको बताया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस दिन कंपैरिजन किया था ना हमने, और फोर्स कौन सा था? टाउ, टाउ डेल्टा थीटा था वो एक्चुअली, यही टॉर्क हमने डिराइव करनी है। सो से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। So work can be written as tau theta, क्योंकि delta work लिया हमने तो tau delta theta होगा। Okay fine, this is equation number one. Now we are going to find delta x and delta y and put here. तो पहले यहां तक देखो, कोई step अगर नहीं दिए पूछ लो, if any step is not clear you can ask. Now we are going to draw another diagram for trigonometry. एक और यहाँ पे हम क्लोज व्यू बनाएंगे इसका, पी ये क्यू, दिस इज योर ओपी, दिस इज ओ क्यू, मैग्नीट्यूड इन सबका आ रहा है क्योंकि यू नो ये सर्कल में जा रहा है, तो इन सबका मैग्नीट्यूड आ रहा है, वेक्टर होम में आ रहा है, आर प्लस डेल्टा रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये थीटा है, ये डेल्टा थीटा है। ठीक है, इसको डेल्टा है। अब क्योंकि आर के कोऑर्डिनेट से एक्स एंड वाई, दिस इज एक्स दिस इज वाई, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एन। और ये अगर कंप्लीट करें, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एम, तो आप देख रहे हो एक्स कितना होगा, ये तो इसका एक्स कंपोनेंट था, इसका एक्स कंपोनेंट ये होगा और वाई कंपोनेंट ये होगा, यही होगा ना। तो आप देख रहे हो कि डेल्टा एक्स जिसको हम लिखने वाले हैं वो एक्चुअली एक्स से कम है, दिस इज डेल्टा एक्स एंड दिस इज डेल्टा वाई, तो ये डेल्टा आर के हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। राइट, यहां पे अब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक दिस ट्राइंगल ओ पी एल। इन ट्राइंगल ओ पी एल लेट्स यूज साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, पी एल ओवर ओ पी। सो फ्रॉम हियर वी गेट पी एल इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। What is OP? R. ठीक है, और PL क्या है? Y. तो हमारे पास Y आ गया R sin theta. We get Y from here R sin theta. Okay. Before we proceed further, I must tell you that on Monday you are having another test. और टेस्ट आपका होगा जितना हमने रोटेशनल मोशन किया आज तक वहां, ठीक है, प्लस ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स भी हमने किए इस वीक में, तो ग्रेविटेशन के दो तीन न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो नोट डाउन द सिलेबस फॉर योर टेस्ट ऑन मंडे, दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्रेविटेशन प्लस रोटेशनल, तो थोड़ा सा ही हुआ है जितनी भी थ्योरी हुई आज तक जितनी भी हो। एंड वन थिंग मोर टू नोट डाउन, the students who will be present online, they it is compulsory for them to turn on the video, otherwise test won't be accepted. अब
cos theta इसी ट्राइंगल का cos theta will be base over hypotenuse, that is OL over OP. So what is OL? OP cos theta. So OL is OP cos theta. OP is again R और OL है X. तो हमारे पास X की वैल्यू भी आ गई. X निकाल लिया, Y निकाल दिया. In terms of theta. All right. Now we come to the other triangle OQM. इसमें total angle कितना है? Theta plus delta theta. So let us take cos of theta plus delta theta. So in triangle OQM, cos theta plus delta theta क्या होगा? चलो बताओ. Base over इस triangle का base. OM over OQ. Yes. नहीं. OM is equal to OQ cos theta plus delta theta. Del में delta है ये. And what is OM? OM क्या है आपका? हाँ. OM जो है ये आपका अकेला डेल्टा एक्स है. एंड OQ इज आर अगेन. यहाँ मेरे को गड़बड़ लग रही है. एक्स डेल्टा एक्स नहीं है ये एक्स माइनस डेल्टा एक्स. ये देखो ये जो आपका आर है ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके माइनस डेल्टा एक्स एंड प्लस डेल्टा वाई. मतलब कि ये है एक्स माइनस डेल्टा एक्स. ये पोजीशन वेक्टर था आर प्लस डेल्टा आर था ना. तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y आना चाहिए है ना. पर यहाँ पे आएगा x माइनस डेल्टा x. y माइनस क्योंकि उसका रीजन है ये पहले से डिक्रीज हुआ है. तो ये x माइनस डेल्टा x और ये y प्लस डेल्टा y. y प्लस डेल्टा y इसके कोऑर्डिनेट्स. सो दिस इज x माइनस डेल्टा x. तो x प्लस डेल्टा x क्यों नहीं लिखा ये क्लियर हो गया आपको? बिकॉज x साइड से डिक्रीज हुआ है पहले से. हाँ ये देखो ना पोजीशन वेक्टर अकेला डेल्टा r नहीं था. डेल्टा r तो ये था r प्लस डेल्टा r. तो इसके कोऑर्डिनेट्स x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y आने चाहिए. बट डेल्टा x आपका नेगेटिव होगा. बस ये पॉइंट आपको देखिए. तो बेस एक्स माइनस डेल्टा एक्स है पूरा का वो आ गया. अब कॉस ए प्लस बी फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे. एक्स माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ए प्लस बी. कॉस ए प्लस बी पता क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. तो कॉस थीटा कॉस डेल्टा थीटा आर से मल्टीप्लाई हम बार से कर ही रहे हैं कॉमन नहीं ले रहे. साइन थीटा साइन डेल्टा थीटा. गॉट दिस? नाउ व्हाट इज आर कॉस थीटा? अभी हमने निकाला एक्स है और आर साइन थीटा क्या है? वाई है. पुट कर दो तो एक्स माइनस डेल्टा एक्स इज एक्स कॉस डेल्टा थीटा माइनस वाई साइन डेल्टा थीटा. Now let delta theta approach to zero. Suppose कर ले angle बहुत small है. तो sine zero तो zero होता है. तो sine delta theta will approach delta theta
प्लस बट कॉस 0 1 होता है तो कॉस डेल्टा थीटा होगा 1, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल्स आपको पता है टेंथ में भी हमने यूज किया था साइन थीटा थीटा होता है, तो अगर हमारा एंगल स्मॉल है बट कॉस 0 1 होता है, कॉस 0 0 नहीं होता, तो इसलिए कॉस डेल्टा थीटा का वी विल पुट 1, साइन डेल्टा थीटा का वी विल पुट डेल्टा थीटा। सो पुट हियर नाउ कॉस और साइन की वैल्यूज पुट कर दीजिए। अब आपके पास आ गया x माइनस डेल्टा x इज x माइनस y डेल्टा थीटा, तो हमने डेल्टा x निकाल लिया, अभी भी निकालना है, मतलब ये x और माइनस कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x आ गया y डेल्टा थीटा। तो ये देखिए हाउ वी कैलकुलेटेड डेल्टा x, मेकिंग यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देख लो एक बार सारे स्टेप, पहले हमने cos a प्लस बी लगाया, फिर x cos थीटा और x r sin थीटा को हमने पुट कर दिया x और y, अब हमने डेल्टा थीटा को जीरो अप्रोचिंग ले लिया, तो साइन डेल्टा थीटा इज ओनली डेल्टा थीटा, कॉस को 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया x इंटू 1 माइनस y इंटू डेल्टा थीटा, मतलब x माइनस y डेल्टा थीटा, x इंटू 1 1 हो गया, x और माइनस कैंसिल हो गया, डेल्टा x आ गया आपके पास y डेल्टा थीटा। अब हम डेल्टा y इस प्रोसीजर से पूरा नहीं निकालेंगे, सिमिलरली करके लिख देंगे, x का y, y का x कर दो, तो सिमिलरली आप लिखोगे डेल्टा y इज x डेल्टा थीटा, तो दोनों चीजें आ गई हमारे पास, सो वी हैव फाउंड डेल्टा x एंड डेल्टा y, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारी इक्वेशन थी टाओ डेल्टा थीटा इज एफ एक्स डेल्टा थीटा था, एफ एक्स डेल्टा एक्स प्लस एफ वाई डेल्टा वाई था। चलो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एफ एक्स तो ऐसे ही है, डेल्टा एक्स आपका वाई डेल्टा थीटा, और ये है एक्स डेल्टा थीटा। Put the value of delta x and delta y. ठीक है, टेक डेल्टा थीटा कॉमन फ्रॉम राइट हैंड साइड, डेल्टा थीटा गेट्स कैंसल, एक मिनट, वो शुरू में भी माइनस डेल्टा एक्स पुट करना था हमें, शुरू वाली इक्वेशन देखो क्या थी आपकी, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वहां पे भी माइनस डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप ऑन, तो यहाँ पे बीच में माइनस आया, वहां पे वो ठीक कर लो माइनस डेल्टा एक्स, माइनस वही मैं बता तो रही हूँ, हमने तो डायग्राम बना के देख लिया कि वो कम है, डेल्टा एक्स आपका वो इंक्रीज नहीं हो रहा, वो डिक्रीज हो रहा, वाई साइड पे वो इंक्रीज हो रहा है, एक्स साइड पे कम हो रहा है पहले से, तो इसलिए वहां पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, सो वी आर लेफ्ट विद एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ये हमारा टॉर्क आया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। अभी हमें इसको पोलर फॉर्म भी डिराइव करनी है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म है, अगर यहां तक पूछ लें तो यहां तक आप दे सकते हो कि शो दैट टॉर्क इज एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ, अगर यहां तक पूछ लें तो यहां तक ओके है, पर अभी हमने पोलर फॉर्म तक जाना है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म है, नाउ लेट अस डिराइव द पोलर फॉर्म, सो इट्स नॉट येट कंप्लीट। तो अब हमने क्या करना है, एक्स वाई एफ एक्स एफ वाई सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स क्या था आर कॉस थीटा, वाई क्या था आर साइन थीटा,
fx kya hai, f cos beta and fy is f sin beta. So put all the values here. So I'm putting the values. Torque is r cos theta f sin beta minus r sin theta f cos beta. Values substituted. R common ले लें तो ये बन गया R F दोनों common ले लो, ये बन गया साइन बीटा कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा साइन थीटा. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी. तो ये आपका आ गया साइन बीटा माइनस थीटा. ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लिख लो, हमने साइन ए माइनस बी यूज किया है. साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अब ध्यान से देखो ये एंगल कितना है. ये बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस इसको फाइव बोल देते हैं. अगर बीटा इज थीटा प्लस फाइव तो फाइव कितना है, बीटा माइनस थीटा. तो बीटा माइनस थीटा क्या आपका फाइव. तो ये नोट करिए, दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ टॉप. पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा एंड फाइव. तो ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म आ गई टॉर्की आर एफ साइन फाइव. फाइव इज पोलर कोऑर्डिनेट. पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आल्सो कॉल्ड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आल्सो कॉल्ड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. सो दिस इज पोलर फॉर्म ऑफ टॉर्क. इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे. जितना फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे रोटेशनल इफेक्ट उतना ज्यादा हो सकता है. एंगल पे भी डिपेंड करता है. तो आप देख रहे हो कि 90 डिग्री पे साइन 90 जो मैक्सिमम होता है 1 होता है. तो अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी चीज को फोर्स लगाएं रोटेट करने के लिए तो वो मैक्सिमम टॉर्क हम लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये डोर, ठीक है. डोर की एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या बताओगे आप, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दिस डोर. कौन सी एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है. तो जहां पे हिंजेस लगे हुए हैं वही है ना. ठीक है, ये आपके देख लो एक बार, अगर डोर विजिबल है आपको नहीं होगा. हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो बेस्ड हैं. पहला तो यही वाला है, लिखिए क्वेश्चन. अभी डेरिवेशन रहती है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो फिर लिखना. राइट डाउन
Why are the handles of doors? Why are the handles of doors provided? Why are the handles of doors provided at maximum distance from the axis of rotation? Provided at maximum distance from the axis of rotation. और वो फोर्स का भी पूछ सकते हैं कि वाई वी अप्लाई परपेंडिकुलर फोर्स. तो आप ये वाला फॉर्मूला दोगे आप टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन. तो आर मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम, और अगर थीटा फाई हमारा 90 है तो टॉर्क मैक्सिमम. तो मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट लाने के लिए हम ये चीज करते हैं. अनदर एग्जाम्पल लिखिए, एक और क्वेश्चन है इसका. Why is the arm of a wrench? Wrench होता है ना, टूल बॉक्स में रेंच होता है, एक लंबा सा पार्ट होता है, उससे हम स्क्रू का अनस्क्रू करते हैं, होता है ना. तो व्हाई इज द आर्म ऑफ अ रेंच मेड लॉन्गर? उसकी आर्म बड़ी क्यों होती है, लॉन्ग होती है ना, क्यों होती है? वही हमने स्क्रू का अनस्क्रू करना बताई जैसे, तो जितना डिस्टेंस दूर होगा उतनी टॉर्क हम इजिली अप्लाई करते हैं, रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा, और उसमें भी हम परपेंडिकुलर एक्शन में फोर्स लगाएं तो टॉर्क इजिली प्रोड्यूस करते हैं. So arm of a wrench is made longer because torque is directly proportional to distance from the axis of rotation. उस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन वो स्क्रू है जिसको हमने अनस्क्रू करना है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेशन हो रही है, हम बिल्कुल फार्थेस्ट एंड से फोर्स लगाते हैं. ठीक है, देखा है राइट सबने, किसने नहीं देखा हो, नहीं देखा, नहीं देखा, इसने देखा उसने नहीं देखा, ये कैसे, ये देखो ना, ये जैसे कि जब टायर ही चेंज करना हो कार का, ठीक है, ये अनस्क्रू करना है, तो एक ऐसे सर्कल सा पार्ट होता है, ऐसे उसको उसमें फिट करके यहाँ से ऐसे मारते हैं तो वो अनस्क्रू करते हैं, ये चीज होती है रेंच. चलिए हम डेरिवेशन कंप्लीट करें. ओके, सो एक्सटेंड नाउ, एक्सटेंड दिस फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड कर दो डॉटेड, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए ओरिजिन से. इस केस में हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इसके अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही है, ठीक है. तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने ले लिया स्मॉल डी, लीवर आर्म, इसको बोलते हैं लीवर आर्म, ये एक लीवर की तरह है ना. तो ये डिस्टेंस एंड ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लिख लो लीवर आर्म क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, distance of perpendicular distance of line of action of force from the axis of rotation.